नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार मैंने गोली बनाई है शीघ्र पातन और नामर्दी के लिए। दोस्तों ये धात वाले मरीज बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जिन्हें लीवर में दिक्कत है या पेट में दिक्कत है वो भी इसे इस्तेमाल ना करें। पहले इन दिक्कतों को ठीक करें उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। दोस्तों सेक्स पावर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों जो इसे लगातार 2 महीने खा लेता 40 से 50 मिनट 1 घंटे तक भी मरीजों की टाइमिंग हुई है इस गोली से। दोस्तों बहुत ही स्पेशल ये फार्मूला है, बनाने में दोस्तों इसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है मगर ये एक नंबर चीज है। इसमें काफ़ी सारी भस्में इस्तेमाल की गई हैं, काफ़ी सारी पावरफुल जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की गई हैं। दोस्तों इन्हें किस तरीके से बनाया गया है वो सारा तरीका मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कैंचुआ, कोकनार, ताल मखाना, ये तीनों चीज़ें आपको 100-100 ग्राम लेनी है। उसके बाद रेगमाही, शिलाजीत, सालम पंजा, सालम मिश्री, जुंदबदस्तर, रूमी मस्तगी, बीर बहुटी, केसर, अंबर और सफ़ेद मूसली, ये दोस्तों 10-10 ग्राम। इसके अलावा इसमें दोस्तों तांबा भस्म 100 पुटी 3 ग्राम, लोहा भस्म 7 पुटी दोस्तों 10 ग्राम, अभ्रक भस्म 7 पुटी 10 ग्राम, शंग्रभ भस्म 5 ग्राम, संखिया भस्म 1 ग्राम। तो दोस्तों जो सारी हमारी जड़ी बूटियां हैं, भस्मों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप अच्छे से सुखा लें और अच्छी तरह इनका पाउडर बना लें, बारीक पाउडर बना लें, कपड़ छान कर लें। उसके बाद दोस्तों जितनी भी आपकी भस्में हैं ये सारी भस्में आप एक मजबूत खरल में डाल के इनकी अच्छे से घुटाई करें, लगातार इनकी अच्छे से घुटाई करें और 1-1.5 घंटा आप इसकी घुटाई कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आप जो हमारी जड़ी बूटियों के पाउडर हैं वो भी इसमें मिक्स कर दें और 15-20 मिनट घुटाई करें। उसके बाद दोस्तों बड़ का दूध डाल के एक चने के बराबर गोलियां बना लें, एक एक गोली सुबह शाम आपको दूध के साथ खानी है। दोस्तों शीघ्र पातन नामर्दी को ये जड़ से ख़त्म कर देगी, बहुत ही ज़बरदस्त ये गोलियाँ हैं, घंटों के हिसाब से टाइमिंग देने वाली ये दवा तैयार है। जिन भाई बंधुओं का ऑर्डर था जिनके लिए बनानी थी रेडी हो चुकी हैं, उन्हें भेज दी जाएगी। धन्यवाद।